नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहार में बने नए साइबर थानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, कोई साइबर क्राइम होता है, तो वैसी स्थिति में आप लोकल थाने में FIR करा सकते हैं, साइबर थाने में FIR करा सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में पहले साइबर थाना नहीं था और अभी पिछले दिनों ही बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाने का गठन किया गया है। तो अब हमारे लिए ये एक सुविधा हो गई है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार का साइबर अपराध आपके साथ होता है तो वैसी स्थिति में आप अपने ज़िले के साइबर थाना में FIR दर्ज करा सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। यहाँ पे साइबर अपराध से संबंधित किसी भी मामले में FIR दर्ज कराया जा सकता है और इसके लिए आपको अपने ज़िला में, जैसे अगर पटना है तो पटना ज़िला में, यदि भागलपुर है तो भागलपुर ज़िला में, यहाँ तक कि यदि आपके साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे ट्रेन के अंदर यदि आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, साइबर से संबंधित कोई मामला होता है, तो रेल साइबर थाना में भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है आपके लिए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि लोकल थाने में यदि कोई तकनीकी समस्या आपके साथ आती है तो आप साइबर थाना में भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं। हालाँकि अभी पहले की तरह ही आप अपने नज़दीकी थाने में भी साइबर क्राइम के शिकायत दर्ज करा सकते हैं, FIR दर्ज करा सकते हैं और इसके साथ ही आप साइबर थाने में भी FIR दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी लगती है कि जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि साइबर अपराध के मामलों में अब आपको पुलिस हेडक्वार्टर या स्टेट साइबर सेल में या डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हर एक ज़िला में अपना एक साइबर थाना खुला हुआ है जहां जाकर FIR दर्ज कराई जा सकती है। धन्यवाद।